फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल अंश स्टडी गुरु में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वाल्व क्या होता है और वाल्व कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन उन वाल्वों के बारे में नहीं पढ़ा था कि वाल्व कौन कौन से वाल्व और कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम इसी पे बात करेंगे कि वाल्व कौन कौन से होते हैं, कौन कौन वाल्व और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग कहाँ हम ज़्यादातर करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आइए फटाफट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वाल्व कौन कौन से हैं। नंबर एक हमारा आता है गेट वाल्व, नंबर दो ग्लोबल वाल्व, नंबर तीन बटरफ्लाई वाल्व, नंबर चार बाल वाल्व और नंबर पाँच प्लग वाल्व, नंबर छः फिंच वाल्व, नंबर सात नीडल वाल्व, नंबर आठ चेक वाल्व, नंबर नौ प्रेशर रिलीफ वाल्व, जिसे हम सेफ्टी वाल्व भी कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गेट वाल्व के बारे में अगर बात करें, थोड़ा बहुत गेट वाल्व के बारे में बात करें, तो गेट वाल्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला वाल्व है। और आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, कोई भी पावर प्लांट हो, उसमें ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो गेट वाल्व ही दिखेंगे। इन वाल्व का प्रयोग लगभग सभी प्रकार की प्रवाह में किया जाता है। अब जैसा कि चित्र आप देख सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से भी जान लेते हैं, जैसे हमारा भाप में एयर हवा के लिए भी हमारा गेट वाल्व का प्रयोग किया जाता है, और पानी के लिए भी, लूब ऑयल के लिए, हाइड्रोकार्बन आदि के लिए ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। यह वाल्व सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें क्या होता है कि प्रेशर का लॉस बिल्कुल ना के बराबर होता है, और यह वाल्व जो होता है, यह ऑपरेशन के समय तो पूरी तरह से खुले रहते हैं या पूरी तरह से बंद रहते हैं। जैसे अगर हमको जिस प्रकार से काम है, जिस प्रकार से हम देखें, इस वाल्व से हम प्रेशर को बंद भी कर सकते हैं, प्रेशर को चालू भी कर सकते हैं। जब उस वाल्व में प्रेशर आएगा तो उसे हम बंद भी कर सकते हैं इस वाल्व के माध्यम से, और उसे चालू भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हैंडल लगी हुई है, इसको घुमाएंगे तो ये चालू भी होगा और बंद भी होगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओपन भी होगा और क्लोज भी होगा। उसके बाद हमारा दूसरा आता है ग्लोब वाल्व। अब ग्लोब वाल्व क्या होता है? ग्लोब वाल्व उस प्रकार के सिस्टम में लगाया जाता है जहाँ ज़्यादा हाई प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। ग्लोब वाल्व क्या होता है कि ग्लोब वाल्व का उस जगह पर लगाया जाता है जहाँ हाई प्रेशर ज़्यादा होता है, उससे क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। ग्लोब वाल्व की मदद से प्रेशर को बंद और चालू या कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, इसे हम रेगुलेट कर सकते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं कि रेगुलेट के माध्यम से रेगुलेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा यह सिस्टम के प्रेशर को काफ़ी अच्छे से लीकेज प्रूफ की मदद करता है, यानी कि लीकेज नहीं होता है, इस प्रकार से यह मदद करता है और बंद भी रखता है। इसका मतलब ये होता है कि यह वाल्व जो ग्लोब वाल्व होता है, यह बहुत ही अच्छा माना जाता है, जिससे अगर किसी वाल्व को हम बंद कर देते हैं तो बंद हो जाएगा, कहीं से कोई प्रकार का लीकेज नहीं होता है। या ग्लोब वाल्व जो होता है वह गेट वाल्व से ज़्यादा कीमत की होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा आता है बटरफ्लाई वाल्व। अब बटरफ्लाई वाल्व या वाल्व जो होता है वह क्वार्टर टन रोटरी मोशन वाल्व होता है। बटरफ्लाई वाल्व प्रवाह को बंद या स्टार्ट करने या रेगुलेट या कम ज़्यादा करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, इस वाल्व का जो फ़ायदा होता है, हमें जो फ़ायदा मिलता है, या इसकी जो बॉडी होती है काफ़ी पतली होने के कारण, इसको किसी भी पाइपलाइन के बीच में फिट करना बहुत ही काफ़ी आसानी से हम कर सकते हैं। किसी भी पाइपलाइन में फिट इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और इसके अलावा यह ओजन में भी हल्के होते हैं, यानी कि ये जो होता है ये ओजन भी कम होता है, यानी कि कम ओजन का होता है, हल्का होता है, जिसे हम कहीं भी किसी भी प्रकार की पाइपलाइन में हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है चौथा नंबर पर वाल्व। अब इस वाल्व में क्या होता है, इस वाल्व की जो डिस्क होती है जो प्रेशर को बहने से रोकती है, क्या करता है, या प्रेशर को बहने से रोकती है, वह डिस्क वाल्व की डिजाइन में होती है, इस कारण से इनको वाल्व कहा जाता है। ठीक है, इसका भी चित्र आप देख लीजिए। ये क्या होता है, ये गेट वाल्व से भी हल्के होते हैं और छोटी साइज में आते हैं, या सिस्टम को आसानी या किसी भी सिस्टम में आसानी से फिट किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्लग वाल्व। अब प्लग वाल्व क्या होता है, प्लग वाल्व का भाई चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लग वाल्व देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। इस वाल्व को हम ऑन ऑफ वाल्व की तरह ही प्रयोग करते हैं, इसको क्या करते हैं, ऑन ऑफ की तरह प्रयोग करते हैं, परंतु जो इसकी डिस्क होते हैं दूसरे वाल्व में काफ़ी अंतर होता है। इन वाल्व का जो डिस्क प्लग सेप होता है, डिस्क जो प्लग सेप होता है, इसीलिए इनको हम प्लग वाल्व कहा जाता है। ठीक है, अब ये प्लग वाल्व जो होते हैं वह वैक्यूम में लगाए जाते हैं, हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर में उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो हमारा पावर प्लांट है, एनटीपीसी का पावर प्लांट है, या फिर आप कह सकते हैं कि एनटीपीसी का पावर प्लांट है, या फिर आप कह सकते हैं किसका में, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप कह सकते हैं, इन वाल्व का प्रयोग जो होता है वैक्यूम में और हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में किया जाता है। जैसे किसी भी पावर प्लांट में किया जाता है, बिजली उत्पादन क्षेत्र में पावर प्लांटों में किया जाता है, जैसे एनटीपीसी हो गया, या फिर रिलायंस के जो पावर प्लांट है उसमें भी ये क्या वाल्व का प्रयोग किया जाता है, प्लग वाल्व का। उसके बाद हमारा आता है फिंच वाल्व।
फिंच बाल्ब को कहीं कहीं क्लैंप वाल्व भी कहा जाता है। साइड वर्क पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता है और वो ज़्यादातर वो क्लैंप वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। अब लीनियर मोशन वाल्व जो होता है, ये लीनियर मोशन, लीनियर का मतलब क्या होता है, एक नया शब्द है लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर, यानी कि ये दो चीज़ होती हैं। अब नॉन लीनियर क्या होता है कि नॉन लीनियर मतलब कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, यानी कि ख़राब है, इसमें कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए यह नॉन लीनियर है। और लीनियर का मतलब कि यह सही रूप से काम कर रहा है, सही ढंग से काम कर रहा है, या लीनियर है, ठीक है। दोस्तों आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। अब ये प्लग वाल्व जो होता है इसके अंदर एक रबर ट्यूब होती है, जैसा कि चित्र आप देख रहे हैं। इस ट्यूब की मदद से फिंच वाल्व को प्रवाह में कंट्रोल किया जाता है, और यह जो वाल्व होता है हम इसे सॉलिड मटेरियल को भी कंट्रोल के लिए उपयोग में ले सकते हैं, जैसे कोई भी और भी मटेरियल हो उसे हम इसे कंट्रोल में ले सकते हैं प्लग वाल्व से, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नीडल वाल्व। नीडल वाल्व को हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि ग्लोब वाल्व की तरह ही होता है। ग्लोब वाल्व की तरह इसलिए होता है कि यह नीडल वाल्व जो होता है वो कुछ चेंज होता है। अब क्या चेंज होता है, नीडल वाल्व जो होता है वह ग्लोब वाल्व से कुछ चेंज होता है, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। अब कैसे, ये भी हम बता देते हैं आपको। यह डिस्क बिल्कुल नहीं है, यह नीडल की तरह पॉइंटेड होता है। पॉइंटेड जैसा कि सिंबल आप चित्र आप देख रहे हैं, इसका उपयोग ज़्यादा उन जगहों पर किया जाता है जहाँ प्लॉट का कंट्रोल बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। जैसे किसी भी हमें पावर प्लांट में लगा हुआ है ये हमारा वाल्व, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नीडल वाल्व जो हमारा लगा हुआ है, वहाँ उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत एक्यूरेट बताती है। वहाँ एक्यूरेट वैल्यू हमको चाहिए कि जो आ रही है, जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को वो वेरी करे, वो बताए, ठीक है। इसीलिए हम इस क्या प्रयोग करते हैं, नीडल वाल्व को प्रयोग करते हैं, वो पॉइंटेड अच्छा बताता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नीडल वाल्व जो प्रयोग होता है ना, नीडल वाल्व का जो प्रयोग ज़्यादातर जानते हो किस चीज़ में की जाती है, पानी हो गया या वाफ हवा गैस, इसको भी कंट्रोल करने के लिए ही उपयोग किया जाता है नीडल वाल्व। जैसे हाई प्रेशर ऑयल भी कह सकते हैं, या कहीं और भी पानी है, या स्टीम यानी कि वाफ, इन जगहों पर हम क्या करते हैं, नीडल वाल्व का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है चेक वाल्व। अब चेक वाल्व क्या होता है, चेक वाल्व काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, सभी वाल्वों में से एक वाल्व है चेक वाल्व। यह वाल्व सिर्फ एक डायरेक्शन में ही पदार्थ को बहने देता है। कहने का मतलब ये कि अगर यह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, कोई भी दिशा में, एक ही दिशा में प्रेशर को बहने देगा। अगर आप उस लाइन से प्रेशर रिटर्न आ जाता है तो उसको रोक देता है और वापस पीछे की तरफ प्रेशर फ्लो नहीं होने देता है। कहने का मतलब ये कि अगर आपको एक सीधी पाइप में पानी को फ्लो करवाना है, या फिर ऑयल हो, या किसी भी प्रकार का हो सकता है कोई भी पदार्थ, तो अगर उसमें फ्लो हो रहा है तो वह एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में फ्लो होने का अनुमति देता है, और अगर उससे पीछे भी आता है, रिटर्न आता है, तो वह वहीं पे उसे स्थगित रोक देता है, ठीक है। आप कुछ चित्र देख लीजिए। अब ये चेक वाल्व का उपयोग कई जगह पे किया जाता है। जैसे चेक वाल्व का उपयोग कहाँ अधिकतर किया जाता है, चेक वाल्व जो होता है पंप के आउटलेट की तरह लगे हुए दिखेंगे आपको। ये जो आप देख रहे हैं चित्र, ये क्या होता है, वाल्व जो होते हैं ये पंप के आउटलेट की तरफ लगे हुए दिखेंगे। इन वाल्व की मदद से पंप को रिटर्न फ्लो या बैक फ्लो से बचाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रेशर रिलीफ वाल्व। अब प्रेशर रिलीफ वाल्व को हम सेफ्टी वाल्व भी कहते हैं। इन वाल्व का उपयोग जो किया जाता है, इन सेफ्टी वाल्व भी किया जाता है, इसीलिए इन वाल्व को सेफ्टी वाल्व कहा जाता है। अब देख लीजिए, आपको सिंबल इस प्रकार से है, या ऑटोमेटिक ऑपरेट वाल्व होता है। इन वाल्व का उपयोग पाइप सिस्टम या फिर किसी भी मशीन को प्रेशर को सेफ्टी देने होता है, यानी कि ये किसी भी मशीन में भी लगाया जा सकता है। क्या करने के लिए, वो सेफ्टी देने के लिए। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था कि पीआरबी वाल्व के बारे में बताया था, तो सेम वैसे ही उसी प्रकार से होता है ये हमारा सेफ्टी वाल्व, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अगर सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो यह क्या होता है, ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है और सिस्टम को प्रेशर से बाहर निकाल देता है, ठीक है। दोस्तों ये रहा आपका कुछ इस प्रकार का अपडेट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, उसके साथ ही में अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर किसी भी प्रकार के कमेंट, आपके किसी भी प्रकार के आपको मन में सवाल उठ रहे हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। दोस्तों फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूँगा। ओके ऑल द बेस्ट साथियों, जय हिंद जय भारत, जहाँ भी रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।